वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है एक्सप्रेशन ऑफ ए गिवन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर्स। क्वेश्चन हमारा ये जी कि गिवन डैट एक पी वेक्टर है जो कि इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। मतलब पी वेक्टर बेसिकली इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि सब्ट्रैक्शन के बाद मिल रहा है, जबकि क्यू वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 टाइम ऑफ बी वेक्टर, इन दोनों को मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वेक्टर हासिल होता है। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड नंबर फाइंड करने हैं, फाइंड नंबर्स एक्स एंड वाई। बेसिकली यहाँ पे एक्स और वाई नंबर्स हैं, सच डैट के एक्स को अगर पी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए प्लस वाई को क्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मतलब स्केलर नंबर से वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक वेक्टर जो न्यू वेक्टर बनेगा उसका रिलेशन ये है कि वो ए प्लस 9 टाइम ऑफ बी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, मतलब अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने जो है सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो पी वेक्टर गिवन है और क्यू वेक्टर उसका जो है हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो गिवन एक्स गिवन इक्वेशन है या रिलेशन है इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं हेडिंग में शामिल कर रहा हूँ गिवन। ठीक है कि गिवन है ये हमें। अब इसमें हम पी और क्यू की जो वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे। ठीक है, पी और क्यू की ये दो वैल्यूज जो हैं ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इनको दर्ज करने से जो गिवन एक्स इक्वेशन है यहाँ पर, इसे अगर मैं फर्ज करें इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, चलें इसे 1 कह रहे हैं हम, तो ये बन जाएगी चेंज होकर कुछ इस तरह से। हम लिखेंगे इक्वेशन 1 1 बिकम्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखें एक्स एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पी वेक्टर। पी वेक्टर की जगह आप रिप्लेस कर देंगे ये 3a-b वेक्टर, मतलब 3a वेक्टर एक है और माइनस पी, तो ये यहां से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इसे रख रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, प्लस इसके बाद वाई है, प्लस वाई देन इसको क्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्यू वेक्टर ये आपके सामने लिखा हुआ है 2a-3b वेक्टर, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलें यहाँ पर और इसे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। ये किसके इक्वल आ रहा है जी, ए प्लस ए वेक्टर प्लस 9b वेक्टर के। ठीक है जी, अब देखें हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर एक्स से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये एक्स जो है वो 3a से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जो ये हमारे पास वाई है ये मतलब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखें यहाँ से आएगा 3x, चूंकि 3 और x नंबर्स हैं, 3x times a वेक्टर। ठीक है, माइनस x times b वेक्टर। ठीक है, x को आपने b वेक्टर से भी मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, वो साइन आपने लगाया। इसी तरह 2y a वेक्टर। ठीक है जी, y मतलब नंबर जो है वो 2a वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये जो y है वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3y b वेक्टर। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा a प्लस 9 times b वेक्टर के। ठीक है जी, तो यहां तक ये बात हो गई। अब देखें इसमें जो मजीद हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है अगर हम देखें, ठीक है, हमने मतलब जो इंफॉर्मेशन बताई गई है उसके हिसाब से हम बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें इसमें जो ए वेक्टर्स हैं, अगर सब ए वेक्टर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ कि 3x times a वेक्टर, ठीक है, प्लस 2y times a वेक्टर। ठीक है, इसी तरह अब जो बी वेक्टर है उनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए, मतलब उनको ऐड कर लिया जाए, ठीक है, जारी बात है कि बी वेक्टर में ऐड होगा, तो नेगेटिव ऑफ x times b वेक्टर और -3y times b वेक्टर यह आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है a वेक्टर प्लस 9 times b वेक्टर के। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इसमें जो हमारे पास सम है वो हमें ये बता रहा है कि ये जो ए वेक्टर का सम है वो a के इक्वल है, मतलब कि हम यू लिखेंगे कि 3x प्लस 2y, ठीक है, इसमें से अगर हम a वेक्टर कॉमन ले लें
इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए वेक्टर के ये हमने दोनों जो इसके कोफिशियंट्स हैं, आप यूं समझ लें कि या जो नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है उनको मैंने अलग कर दिया, मतलब ये नंबर इनका सम बनेगा फिर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नेगेटिव में साइन कॉमन ले रहा हूँ, ये एक्स पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, प्लस 3 y आ जाएगा, मतलब इसका भी साइन पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर है। ये किसके इक्वल है जी? ये ए वेक्टर प्लस 9 टाइम्स बी वेक्टर है, ठीक है। अब देखें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर का मतलब ये सम कब इक्वल हो सकता है? जब ये जो कोफिशियंट है इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ए का, और यहां पर जो ए वेक्टर का कोफिशियंट है, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि 3x+2y ये किसके इक्वल होगा जी? ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसे मैं रिलेशन 1 कह देता हूं। और जो मेरे पास नेगेटिव ऑफ 3, सॉरी नेगेटिव ऑफ यूं लिखेंगे हम x+3y है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल टू हो जाएगा 9 के, चूंकि देखें यहां पर b का कोफिशियंट 9 है और यहां पे b का कोफिशियंट जो है नेगेटिव ऑफ x+3y है, तो ये आप इधर लिख देंगे 9, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट आप यूं कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। मैं ये ब्रैकेट को यहां से रिमूव कर देता हूं क्योंकि हमने नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई किया तो अभी दोनों टर्म्स के साइन पॉजिटिव के हैं, ठीक है। अब देखें हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स को आइसोलेट कर दें और 3 y दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये इक्वल टू आ जाएगा -9 -3 y, ठीक है। और इससे मैं ये जो हमारे पास एक्स आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई है जिसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं पुट कर लूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन 3, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर लेंगे। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3x+2y इक्वल टू 1, और x की जगह हम ये जो इसकी वैल्यू आई है -9 -3y ये पुट कर लेंगे, तो -9 -3y, ठीक है, ये हम इसमें पुट कर लेंगे। अब आप देखें ये 3 -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -27 आ जाएगा, और ये 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9y आ जाएगा, +2y आ जाएगा और इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि ये देखें इसको अगर हम सॉल्व करें तो -27 -7y ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस 1 को इधर मूव कर दें और ये जो 7y है इसको आप इधर मूव कर लें, तो -27 -1 इज इक्वल टू 7y आ जाएगा, और ये बना -28, ठीक है, इसको हम चलें इधर इसका वर्क करते हैं, तो -28 इक्वल टू 7y, और 7 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7, ये 4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -4 आ जाएगी, ठीक है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज कर सकते हैं। तो चलें इसे हम अगर इक्वेशन नंबर 3 में दर्ज करें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x इक्वल टू आ जाएगा क्या जी? -9 -3 × -4, तो ये बन गया +12, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या जी? +12, और 12 में से 9 माइनस करें तो आंसर क्या आता है? 3। तो देयर फोर एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ गई है? वो 3 आ गई है, और वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है? वो -4 आ गई है।